अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहसीन तबस्सुम है। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कलेजी फ्राई की रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं। कढ़ाई गरम होने के बाद 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। तेल गरम होने के बाद 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई तेल में डाल देंगे हम। प्याज को जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 2.5 मिनट। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है हमें, बस सॉफ्ट हो जाए प्याज उतना ही हमें फ्राई करना है प्याज को। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स अदरक लहसुन 1 चम्मच। अदरक लहसुन को भी कच्चापन जाने तक कुछ सेकंड्स के लिए हम प्याज और अदरक लहसुन को पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। तो अब हम इसमें डालेंगे कलेजी, 250 ग्राम कलेजी है ये। कलेजी का धोने का तरीका ये है कि आप 5 से 6 पानी से पहले धो लीजिए, उसके बाद उसमें है ना विनेगर डाल दीजिए, 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दीजिए, उसके बाद 2-3 पानी से फिर से धो दीजिए, बस कलेजी जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाएगी, एकदम साफ़ हो जाएगी। अगर विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी, 1 नींबू का रस उसमें डाल दीजिए, 15 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर धो दीजिए तो साफ़ हो जाएगी कलेजी। तो कलेजी को फ्राई करते करते ऐसे ही तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो मीडियम फ्लेम पे ही मैं बना रही हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम नमक डालेंगे ना तो कलेजी जो है ना सख्त हो जाती है, तो इसीलिए हम नमक कुछ देर बाद डालेंगे। अच्छे से मसालों को मिला लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद फिर से हम अच्छे से मिला लेंगे। YouTube पे जो है ना बहुत सारे ऐसे कलेजी फ्राई की रेसिपी से देखिए, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसा घर पे मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया, मैं उसी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तो ढक के रख देंगे 5 से 6 मिनट। ये देखिए 5 से 6 मिनट बाद जो है ना कलेजी जो है ना अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, आप अपने हिसाब से ले नमक। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेंड्स पानी, 1/2 कप। अब हम इसे ढक के रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, बीच बीच में देखते रहें। तो ये देखिए फ्रेंड्स 10 मिनट बाद पानी जो है ना खुश्क हो चुका है, तेल भी जो है ना सेपरेट हो चुका है। फिर से हम अच्छे से चम्मच चलाएंगे, अच्छे से भून लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, कलेजी देखिए टेंडर हो चुकी है अच्छे से, ये देखिए, और सॉफ्ट भी है। तो अब हम इसमें डालेंगे, मैं अभी इसमें डाल रही हूँ टमाटो पेस्ट। अगर आपके पास टमाटो पेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास है तो एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए मैं ये टमाटो पेस्ट डाल रही हूँ। आप टमाटर भी पके हुए टमाटर है तो काट कर डालिए, या फिर प्यूरी बनाकर भी आप डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कलेजी में टमाटर डालने से। अच्छे से मिलाएंगे, ऐसे ही हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला 1/4 चम्मच। मिला लेंगे, लो फ्लेम पे बनाएंगे अब हम, क्योंकि नीचे से जो है ना जल जाएगा, तो कलेजी भी जो है ना गल चुकी है अच्छे से, बस हमें थोड़ा सा इसको पकाना है। तो अब हम डाल देंगे हरा धनिया। आप इस रेसिपी को जो है ना दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं या रोटी के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है।
तो फ्रेंड्स अभी स्टोव को हम ऑफ कर देते हैं। तो बन चुकी है कलेजी। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।